वेस्टइस्ट में इसलिए आई थी क्योंकि मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए थे। वो हॉस्पिटलाइज थी, उनका वेट 65 से 33 भी आ चुका था बिकॉज उनकी किडनी दोनों डैमेज थी। डायलिसिस एवरी 2 डेज में होते थे या 3 डेज में अल्टरनेट होते थे उनके। एक्सपेंस कितना लगता था मेरा, 25 से 30 हज़ार सिर्फ मेरी मदर के ऊपर लगता था और मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा ऑन करते थे बिकॉज वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। मैंने अपना काम शुरू किया किसी कंपनी में वर्क करना, मेरी सैलरी 7000 उस टाइम पर थी। 2013-14 की ही बात कर रही हूँ करंटली। 7000 रुपये सैलरी कोई मायने नहीं रखती है, 25000 मम्मी के ऊपर। भाई MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 8 लाख रुपये का उसका खर्चा, 6 साल का पैकेज था उसका। तो एवरी 6 मंथ में मुझे 90000 उसके पे करने पड़ते थे। छोटे भाई को पढ़ा रहा था, मम्मी की कंडीशन देख के लगा था कि अब सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं शर्दुल मैम से मिली, उन्हीं की कंपनी में मैंने जॉब करती थी जहाँ वो करते थे। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि फूड पैकेज स्टार्ट करो। मैंने कहा मैम नहीं, डर लगता है। कह रहे खाना नहीं है, पहले पैरों में लगा के देखो, पैरों में लगाने से तुम्हें अगर असर ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कंटिन्यू उनका 6 महीने रखा था फूड पैचेस, एक दिन भी मैंने ड्रॉप नहीं किया था। आज वो 3 साल है, डॉक्टर भी बोलते हैं आपने क्या किया, एम्स के डॉक्टर तक ने हमारा नंबर लिखा हुआ है अपने पास में कि आपने सब क्या खाया, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। और मैं उनको बताती हूँ, मुझे पता है उनको बता देता हूँ, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, वो लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे उसमें। तो मैं अपनी तरफ से लोगों को ज्वाइन करती हूँ जिनको जरूरत है पैसों की भी और हेल्थ की। ये मेरा मेन मोटिव मैंने उस टाइम बनाया था।